चलो जी का एक और क्वेश्चन देखिए। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज रिलेटेड टू, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन की बात हो रही है। ट्रांसपिरेशन को पहले समझो, उसके बाद उसका आंसर देना। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वाटर मूव होता है, मतलब प्लांट से इवेपोरेट हो जाता है उसके एरियल पार्ट से, चाहे वो लीव्स हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे फ्लावर हो, कहीं से भी पानी इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। किस पर डिपेंड करता है ये? ज़्यादा धूप होगी तो भी इवेपोरेट ज़्यादा करेगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी इवेपोरेट करेगा, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी मतलब नमी होगी वातावरण में तो कम होगा, और ज़्यादा अगर हवा तेज़ी से बह रही है तो भी ज़्यादा होगा। तो ये सारे ही फैक्टर होते हैं जिन पर वो डिपेंड करता है। तो इसमें लाइट, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी और विंड, ये सारे ही कारण हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप ये सोच लो कि ट्रांसपिरेशन जब होता है तो मतलब कब कब ज़्यादा हो सकता है। आप अपने कपड़ों को सुखाते हो, उससे कोरिलेट करके देखना, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि ज़्यादा लाइट होती है तब भी कपड़ों का पानी उड़ जाता है। उसी तरह से प्लांट्स का भी होता है, ठीक है।